आज हम इस क्लास को सुरक्षित 22 करने वाले हैं, लेकिन जिससे पहले जितने भी नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का प्रमाण, यानी कि बीपीटी का प्रमाण। बीपीटी यानी कि बेसिक प्रपोजनल थ्योरम, ठीक है, यानी कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का प्रमाण पढ़ने वाले हैं, उसका विलोम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टीचर कहती है बच्चों से एक क्रियाकलाप करें, दिए गए त्रिभुज एबीसी में, यदि दिए गए त्रिभुज एबीसी में ए बी दे रखा है आपको 4, यदि एसी कितना दे रखा है आपको 6 तथा 3 समांतर रेखाएं भुजा एबी को कहाँ काटते हैं, पी क्यू आर पर, और एसी को एक्स वाई जेड पर काटते हैं, और इस तरह से काटते हैं कि एपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर बी है, ठीक है। तथा भुजा एसी में ए एक्स बराबर एक्स वाई बराबर वाई जेड बराबर जेड सी है, और पी एक्स समांतर है बी सी के, तो ए पी बटे में पी बी क्या होगा और ए एक्स बटे में एक्स सी क्या होगा। अब हम जानते हैं पूरी 4 है और इसने 4 बराबर भागों में बांट दिया इसको, तो ये क्या होंगी, 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, तो इस तरह से ऊपर की 1 और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो कितनी होगी, 1, 2 और 3 होगी। तो गौरव ने इसका उत्तर दे दिया कि ए पी बटे पी बी, गौरव कहता है कि मैं समझता हूँ कि ए पी बटे पी बी, ठीक है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ए पी बटे पी बी और ए एक्स बटे में एक्स सी जो है वो 1/3 है, क्योंकि ए पी एक्स है और ये कितना है 3 है, तो ये अगर 1/3 है तो ये भी कितना होगा 1/3 होगा। लेकिन साथ ही साथ वो कहता है लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये बी पी टी है, कृपया इसे समझाइए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बी पी टी थ्योरम का कथन क्या कहता है, ठीक है जी, प्रमाण क्या है इसका, थेल्स प्रमेय इसको कहा जाता है, बीपीटी को, यानी कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कह दीजिए या थेल्स प्रमेय कह दीजिए। वो कहती है, क्या कहती है सुनते हैं, समझते हैं जरा थेल्स प्रमेय क्या कहता है। वो कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर को विभिन्न रेखाओं को काटती हुई एक समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो रेखाओं को वो समान अनुपात में विभाजित करती है, ये सिद्ध करना है हमको, ठीक है जी। स्टेटमेंट मैं इसको जनरल तरीके से आपको समझाता हूँ, कहती है स्टेटमेंट थेल्स प्रमेय यानी कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहती है यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर को रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये बटे ये और ये बटे ये करती है, ठीक है। तो देखिए आप इसका दिया है क्या लिखेंगे, दिया है आपको दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में बी ई समांतर है बी सी के, ठीक है, ये आपको दिया है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या सिद्ध करना जी, हमें सिद्ध करना है कि ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, ए डी बटे में डी बी बराबर ए बटे में ई सी, ठीक है, ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी, ये हमको सिद्ध करना, तो हमें करनी पड़ेगी इसके लिए रचना, क्योंकि परमे जितनी भी होती है उसमें 90% में क्या आती है आपकी रचना करनी आपको पड़ती है। रचना क्या होती है, एक ऐसा काम जो अपनी सहूलियत के लिए करते हैं, रचना क्या होती है, एक ऐसा काम जो अपनी सहूलियत के लिए करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने करा लंब खींच रहे हैं, दो ये लंब हमने खींच दिया M और एक लंब हमने यहाँ से इस पर खींचा, ये क्या है, ये N, ठीक है, ये दो लंब हमने खींच दिए, आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर भी। तो हमने क्या करा है जी, बी एम लंब ए सी और हमने क्या किया जी, ई एन लंब ए बी पर खींचा, ठीक है, आपने डी एम लंब खींचा पूरे ए सी पर, ठीक है जी, और ई एन लंब खींचा पूरे ए बी पर, उसके साथ साथ आपने क्या करा, बी ई और सी डी को मिलाया, अब उपपत्ति यानी कि जो प्रूफ है हम कैसे करेंगे वो देखिए, लेकिन प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं,
अगर हमने कोई लंब खींचा है ए बी के ऊपर, ठीक है, ए बी पे लंब खींचा, मैं इस रेखा को आगे बढ़ा दूं ना, ई एफ लंब है हमारा ए बी के ऊपर, तो ये ए सी पर भी लंब होगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पे बढ़ा दूं इस रेखा को और आगे सीधी रेखा बढ़ा दूं अगर मैं यहां पर, तो ये ई एफ जो है वो एम सी पर भी लंब होगा। और मैं कहूं कि बी सी के ऊपर, बी सी पर, तो ये ई एफ है ये बी सी पर भी क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, ये आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है। अगर मैं यहां से इसको मिटा भी दूं तो ये जो है आपका ई एफ जो है बी सी के ऊपर भी क्या कहलाएगा, आपका लंब। एफ सी पर तो है ही, बी सी पर भी क्या है, ये लंब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसी चीज को आपको समझना पड़ेगा यहां पर। आप देखिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं त्रिभुज, हम पहले इधर खड़े होंगे और इधर से देखेंगे फिगर। अच्छा, ये भी मिला है नहीं, क्या कर रहे हैं हम, बी ई और सी डी को मिला है। हम लेते हैं एरिया, एरिया किसका जी, ए डी ई एरिया बी डी ई का। ए डी यानी कि इधर से देखते हैं, ये हो गया आधार, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हम जानते हैं एक बटे दो आधार गुणा ऊंचाई, ये जानते हैं हम, ठीक है। तो आधार देखते हैं, ए डी का आधार क्या है जी, ए डी, ए डी एक बटे दो तो ऐसी है, आधार है ए डी, और लंब क्या है इसका, ई एन, ई एन आपका लंब है। अब बी डी का क्षेत्रफल एक बटे दो आधार, आधार कौन सा है, क्योंकि मैंने आपको ये लंब है, अगर ये ए बी पूरे के ऊपर लंब है, यही तो बताया गया ए बी के ऊपर लंब है, अगर ए बी के ऊपर पूरे पे लंब है तो आपके बी डी पर भी क्या होगा, ये लंब भी होगा, यही समझाने की कोशिश की मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले। तो एक बटे दो आधार कौन सा कहलाएगा, आपका डी बी, और लंब होगा आपका ई एन, ठीक है। मैं आपको फिर से बताता हूं, अगर कोई रेखा ए एफ लंब है बी सी के ऊपर या बी के ऊपर, तो वो सी पर भी क्या होगी, लंब ही होगी। इस तरह से बी डी पर भी क्या होगी, ये लंब ही होगी। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, और क्या आपका क्या हो गया, आपका बचा ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी समीकरण क्या कह देंगे आप इसको, ए, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी हम इधर खड़े थे, ठीक है, इधर खड़े हो गए, अब हम उस साइड खड़े होंगे और इधर से त्रिभुज लेंगे, एरिया कौन सा आपका, ए डी ई, और एरिया यानी कि क्षेत्रफल सी ई पी। अब हम खड़े उधर हैं, तो इधर से ये आधार होगा और ये मेरा क्या होगा, लंब होगा, ये आधार है और ये क्या है, लंब है। तो फॉर्मूला एक बटे दो आधार हो गया मेरा ए ई और लंब हो गया मेरा डी एन। सी डी ई की बात करेंगे, इधर की बात करें सी डी, तो ये आधार है, लंब तो यही रहेगा क्योंकि ये जो डी एम लंब है वो पूरे ए सी पर है, तो इधर भी इस पर भी लंब होगा और ई सी पर भी क्या होगा, यही लंब होगा। एक बटे दो क्या हो गया आपका, डी एम आधार, सॉरी ई सी और डी एम, ठीक है। उस चीज को आप एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर लंब आपका कोई भी लंब आपका है एसी के ऊपर, तो बीसी पर भी क्या होगा, आपका लंब ही होगा। ये ना सोचेगा कि डीएम तो जी इधर है, सीडी के अंदर है ही नहीं, ये जो लंब है ये पूरे पर है, तो ईसी पर भी क्या होगा, यही लंब होगा। फायदा एक बटे दो से एक बटे दो, डीएम से डीएम कैंसिल, क्या रह गया आपका, आपका रह गया ए बटे ई सी, ए बटे ई सी आपका रह गया समीकरण दो, ठीक है। आप मुझे यही दो बराबर चाहिए, ए डी बटे डी बी, ए बटे ई सी, यही चाहिए ना, ये दोनों बराबर होंगे अगर ये दोनों बराबर होते, तो मैंने देखा ये ऊपर वाले तो बराबर है ए डी ए डी, लेकिन नीचे वाले बराबर नहीं है, यह बी डी और यह क्या है सी डी, तो मुझे करना पड़ेगा कि किसी तरह से बराबर हो जाए। तो मैंने देखा ये जो बी डी ई है और जो सी डी ई है, बी डी ई और सी डी ई दोनों के दोनों डी के ऊपर बने, ये आधार मान सकता हूँ मैं, और ये दोनों के यहाँ समांतर रेखा है, समांतर रेखा के पीछे बने हुए, तो मैं जानता हूं कि एक ही आधार बी डी ई और सी डी ई, डी के ऊपर बनने और समांतर रेखा के पीछे बनने, तो मैं ये जानता हूं कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के पीछे बने
त्रिभुज क्या क्षेत्रफल क्या होते हैं बराबर, तो एरिया बी डी ई सॉरी क्या लिख दिया बी डी ई क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया सी डी के। कारण क्या लिखेंगे समीकरण तीन इसको कह देंगे, कारण ये होगा एक ही आधार और समांतर रेखाओं, इसको मतलब समांतर है, समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं, समान मतलब बराबर होते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब तीसरी समीकरण कहते हैं कि BD बराबर है CD के, अगर BD CD के बराबर ऊपर वाले ऑलरेडी बराबर है यानी कि दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, तो हम कह देंगे समीकरण एक दो और तीन से क्या कह देंगे जी, हम कह देंगे कि ये दोनों क्या है बराबर है, तो ये भी क्या होंगे बराबर, ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए बटे ई सी के। हम कह देंगे ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए बटे ई सी, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले तो ऑलरेडी बराबर थे, ये दोनों बराबर किससे हो गए समीकरण तीन से, क्यों, क्योंकि ये एक ही आधार पर बने हुए और समांतर रेखा के बीच में बने हुए। इस तरह से आपकी जो थ्योरम है वो क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखा है बीपीटी के विलोम के बारे में, तो इसका विलोम कहता है पहले बीपीटी की बात करें, बीपीटी अभी हमने पढ़ी कि अगर त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं क्या करती है समान अनुपात में बांटती है। बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी कहती है यदि डी समांतर है किसके बीसी की तो क्या होगा जी, अन्य दो भुजाओं क्या करेगी समान अनुपात में बांटेगी, यानी कि ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए बटे ई सी। ठीक है, इसी काम ने बीपीटी से, और बीपीटी का विलोम क्या कहता है, विलोम इसका उल्टा हो जाएगा, वो क्या कहता है जी, अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात में है वो क्या कहता है जी, वो कहता है विलोम यदि त्रिभुज की दो भुजाएं यानी कि ए डी बटे डी बी और ए बटे ई सी का अनुपात बराबर, यदि त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात क्या है जी बराबर है तो क्या होगा वह रेखा तीसरी रेखा क्या होगी समांतर होगी, डी समांतर होगी बी सी। ठीक है, यही लिखा हुआ है, आपको साइड में लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा होगा, विलोम यही कहता है कि यदि एक रेखा तीसरी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे समान अनुपात में यानी कि विभाजित करे तो तीसरी रेखा क्या होती है वो समांतर होते हैं। त्रिभुज एबीसी में लिख के दे रखा है कि अगर AD बटे DB बराबर है AE बटे EC तो D समांतर होगा किसके BC के। ठीक है, उसके बाद एक उदाहरण है जल्दी से देखते हैं फटाफट क्या कहता है, उदाहरण क्या कहता है, कहता है एक आकृति आपको दे रखी है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी, हिंदी में साफ नहीं है इंग्लिश से लिए गई है, तो देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच विल मेक डी समांतर विद बी सी। कहता है एक्स का मान निकालना है जबकि डी समांतर है बी सी के, तो कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे हमें उसने आप उसका सॉल्यूशन में देखिए इसके आंसर में देखिए, यानी कि हमें उसने दे रखा है कि डी समांतर है किसके डी समांतर है बी सी के। ठीक है, और हमने सीखा अगर किसी रेखा के समांतर है खींचते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के थेल्स प्रमेय से, अगर त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को वो समान अनुपात में बांटती है, ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए बटे ई सी के, किससे बाय बी पी टी, यानी बी पी टी से, किससे जी बी पी टी से, ए डी है आपका एक्स, ये है आपका तीन एक्स प्लस चार और ये है आपका एक्स प्लस तीन और ये होगा आपका तीन एक्स प्लस उन्नीस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आंसर आ जाएगा आपका, ये इधर और ये एक्स की तीन एक्स से करेंगे कितना हो गया आपका तीन एक्स स्क्वायर, एक्स की उन्नीस से करेंगे, उन्नीस की एक्स से करेंगे तो उन्नीस एक्स, तीन एक्स की एक्स से करेंगे तो कितना होगा तीन एक्स स्क्वायर और तीन एक्स की तीन से भी करेंगे तीन तिया नौ एक्स, तीन एक्स की तो होगी दोनों से, फिर चार की करेंगे चार की एक्स से करेंगे तो चार एक्स और चार तिया बारह, इधर भी तीन एक्स स्क्वायर है इधर भी तीन एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, कितना बचा आपका उन्नीस एक्स और नौ चार तेरह एक्स प्लस बारह, बारह को उठा के धर लिया क्या हो गया सॉरी नौ चार तेरह, तेरह को उठा लिया क्या हो गया माइनस का, ठीक है प्लस का बारह, उन्नीस में से तेरह के तो कितने बचे आपके छः एक्स और एक्स बराबर कितना हो गया बारह बटे छः, काट देंगे छः दुनी
12, x का मान कितना आ गया आपका जी, 2 आपका आ गया। ठीक है, देखते हैं आगे अभ्यास में क्या प्रश्न उसने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसने दिया है, ये भी आपका जो इंग्लिश की वर्कशीट है उसी से लिया गया है, हिंदी की वर्कशीट में बहुत गंदा आपको दिखाई देगा। तो एक्स में भी एक्स का मान निकालना है जबकि डी समांतर किसके, डी समांतर है, इंक डाल लेते हैं थोड़ी सी इसमें भी फिगर। पहले क्वेश्चन में आपको यही दे रखा है कि डी समांतर अगर आपका बीसी है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, और अगर समान अगर हमने पढ़ रखा है थ्योरम पर मैं अभी हमने पढ़ी आधार पर, अगर त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं क्या करती है, वो समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, तो डी समांतर बी सी है, इसका मतलब ए डी बटे डी बी बराबर होगा आपका ए ई बटे ई सी के, किससे, थेल्स परमे से, बाय बी पी टी से, यानी कि बी पी टी से। अच्छा, ए डी दे रखा है आपको एक्स, और ये दे रखा है आपको 7.2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 1.8, और ये दे रखा है 5.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 18 × 18 = 14, 7.2 ऊपर चला जाएगा, एक्स का मान निकालना एक्स नहीं रहेगा, 7.2 × 7.2, और ये कितना आ गया 3, 3 से काट देंगे, 3 × 2 = 6 और 3 × 4 = 12, 6.4 सॉरी 3 × 2 = 6 और 3 × 4 = 12। ठीक है, ये आपका 2.4 आपका आंसर आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। इसके बाद अगली आपको थ्योरम ये क्या है कि बीपीटी जो आपके आधारभूत अनुपातिकता पर मैं उसका कथन लिखना है आपको, उसको सिद्ध भी करना है। तो जो अभी हमने सिद्ध करी है कथन वगैरह लिखकर, वही आप पूरा का पूरा उसे करेंगे। ठीक है, तो जितने भी नए व्यूवर हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें अपने। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।